अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग नूर बाय सादिया का ईद चिकन करी। ये बकरा ईद से पहले का कलेक्शन है एक्चुअली, और हमारे पास जैसे कि यू ऑल नो कि जैसे जैसे जिस ड्रेस का ऑर्डर आता है तभी हमारे पास ये ड्रेस आता है। एंड वी हैव दिस वन ग्रीन कलर और सब कोड है D4 एंड अनस्टिच है हमारे पास। एक्चुअली काफ़ी सारी छुट्टियाँ आ गई बीच में, तो इसलिए भी जो है हमारे स्टिच सूट थोड़े से डिले हुए हैं, बट इंशाल्लाह विल शेयर स्टिच वीडियो सून इंशाल्लाह। ओके जी, इसका एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पिक्चर में थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, असल में जो है थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, और मतलब फ़र्क है थोड़ा सा, वो उधर थोड़ा डीप ग्रीन लग रहा है और असल में डिफरेंट है। तो मैं ये मेंशन कर दूँ, अक्सर जो है वो हम खुद ही देखकर परेशान हो जाते हैं। ओके, सो ये चिकनकारी का इतना सा पीस है सेंटर पैनल। अच्छा जी, ये इसके साइड पैनल्स हैं, और ये सेंटर जो है चिकनकारी है, और ये इसके साइड पैनल्स हैं। मैं क्योंकि ज़ाहिर है इतना सा पीस है, इसको दोनों साइड पे नहीं रख सकती, बट ये दोनों साइड्स पर आएगा इस तरह से। उसके बाद ये इसका ऑर्गेन्जा का एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है, जो कि हाँ राइट ये वाली साइड नीचे आनी है इस तरह से, ऊपर से पे एप्लिक होगा ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर जो लेसेस हैं वो क्रोएशिया के लेसेस हैं, जो कि नूर बाय सादिया के सूट्स के साथ कभी भी इंक्लूड नहीं होती। जितने भी सूट्स हम स्टिच कर रहे हैं उसको जो है वो हमेशा लेसेस लेके डाई करवानी पड़ती हैं। ये लेसेस जो क्रोएशिया की हैं यहाँ पर दो तरह की हैं, वो इंक्लूड नहीं। उसके बाद पैनल में एक पतली सी लेस है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और ये इसकी गला पट्टी है, ये भी आई एम वेरी थैंकफुल कि इस बार जो है इंक्लूड है। अच्छा, इसको फिर ज़ाहिर स्लीव्स पे कुछ नहीं, तो ये गला पट्टी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर जो ओवरलैप गला बनाया हुआ है इतना बड़ा नहीं बनेगा ये, क्योंकि ये पट्टी आप देख सकते हैं कि इसकी पट्टी जो है वो बहुत छोटी है। तो इसको अगर जस्ट वीक करेंगे, वीक करके तब भी जो है इतनी ही पट्टी, इतना वी गला आएगा, यानी कि सिर्फ फ्रंट से नज़र आए, और इतना जो है ये नीचे पट्टी नज़र आएगी, तभी पिक्चर से तो ये कम ही नज़र आएगा। तो बस कीप इन माइंड कि ये पिक्चर से थोड़ा डिफरेंट बनेगा, क्योंकि वैसा गला बनने के लिए वो पट्टी जो है वो लंबी है, और ये हमें इतनी ही पट्टी दी है जिससे वैसा नहीं क्रिएट हो सकता। तो ये किसका छोटा वी आएगा, तो ये गला पट्टी हो गई। उसके बाद इसका बैक बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ना कोई बॉर्डर है, ना कोई लेस है, ना कुछ एम्ब्रॉयडरी है। ये बिल्कुल बैक जो है लॉन का प्लेन बैक है, और ये लॉन की स्लीव्स हैं, क्योंकि इसमें तो स्लीवलेस है और लॉन की स्लीव्स हैं, इनके आगे भी कोई बॉर्डर नहीं है। तो ये कर सकते हैं कि जो लेसेस इसके दामन के लिए यहाँ के लिए वो डाई करवाएंगे, वही इस पर भी लगा सकते हैं, कि क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन तो बुरा लगेगा कि जस्ट बूटियाँ इसके अंदर ना। तो इसकी स्लीव्स हो गई। उसके बाद ये कॉटन का ट्राउज़र है, प्लेन ट्राउज़र की क्वालिटी अच्छी है, मतलब इट्स फाइन क्वालिटी ही कॉटन। और इसके बाद ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है, शिफॉन की क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, प्रिंटेड दुपट्टा है। ऑलमोस्ट कुछ डिज़ाइनर्स हैं जिनके ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन होते हैं, जस्ट कलर्स चेंज हो जाते हैं, स्टिचिंग का स्टाइल बिल्कुल सेम होता है, लेसेस का स्टाइल सेम होता है। जैसे नूर बाय सादिया के अक्सर सूट जो हैं वो स्लीव लेस होते हैं, तो स्लीव्स का बॉर्डर ही नहीं दिया होता। ये इस तरह का प्रिंट है, अलबत्ता प्रिंट मतलब इसमें कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और दुपट्टे की क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी है मतलब नॉट बैड। अच्छा, इसमें दुपट्टे में जो है पिक्चर में इस तरह की इस कलर की क्रोशिया लेस लगी हुई है, जो कि हमेशा ही लगी होती है और डाई करानी पड़ती है, क्योंकि हम स्टिच कराते हैं तो ये दुपट्टे की लेस भी कभी भी इंक्लूड नहीं होती। तो क्रोशिया की लेस लेकर आप इसको सेम कलर की डाई करवाएं या इस कलर की डाई करवाएं, पिक्चर में जो है इस तरह से। सो दैट्स इट, ओवरऑल इट्स अ सिंपल ड्रेस, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट ये है कि अगेन वही बात कि स्टिचिंग में मेहनत होगी। पैंट भी जो है, पैंट पे भी जो लेस लगी हुई वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, जस्ट ये दो बॉर्डर्स इंक्लूड हैं, एक फ्रंट के दामन का बॉर्डर और वो भी आधा से, मतलब ये कि दिस पार्ट इज़ नॉट इंक्लूड। तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए आपको ये डाई कराना पड़ेगा, और बाकी ये कि ये भी वैसा गला नहीं बनेगा।
मैं अगेन एंड अगेन इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि लोग जो हैं वो लेने से पहले माइंड में रखें कि बाद में फिर वैसा ना बने तो हम कंप्लेन करते हैं जिसका कोई हल होता नहीं। सो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन की वजह से आई लाइक दिस ड्रेस, कलर इसका बड़ा अच्छा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।